हेलो एवरीवन, मनीष है। वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। आज देखेंगे कि जो आधार से ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे पैन एप्लीकेशन को। जब आप पैन एप्लीकेशन करते हैं तो आधार से कैसे करेंगे। यहाँ पे जस्ट आपका एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद, पेमेंट करने के बाद, ये आधार ऑथेंटिकेशन का पेज ओपन होता है। आपको जस्ट चेकबॉक्स क्लिक करना है और ऑथेंटिकेट पे जाने का है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का आपका कंटिन्यू विथ ई केवाईसी का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन ये पेज आएगा जहाँ पे आपको ओटीपी रिक्वेस्ट करना है। जो आधार से रजिस्टर्ड फोन नंबर होते हैं उसके ऊपर ओटीपी जाएगा, तो आपको यहाँ से ओटीपी जेनरेट करना है और देन ओटीपी सबमिट करना है। इसमें हम जो पैन एप्लीकेशन होता है वो एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, और जहाँ पे आप आधार के थ्रू ही एप्लीकेशन करते हैं पैन का, तो वो केसेस में फिर आपको कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं होती है, और एज इट इज आपका जो डिटेल्स है आधार में वो पैन में हो जाता है। तो यहाँ पे आप ओटीपी सबमिट करेंगे ई केवाईसी के लिए। जैसे ही सबमिट करते हैं तो फिर आपको ई साइन करने का ऑप्शन आता है, ई साइन करने के लिए बोलता है, तो आप सेम पेज पे कंटिन्यू विथ ई साइन करेंगे। देन आपको ऐसा एक पेज ओपन हो जाता है ई साइन का। आपको यहाँ से चेकबॉक्स पे क्लिक करना है एंड देन ये बॉक्स है जहाँ पे आप वर्चुअल आईडी भी डाल सकते हैं आधार का, या फिर आपके पास वर्चुअल आईडी नहीं है तो आप आधार नंबर, वहाँ पे ये बॉक्स में आप आधार नंबर डाल सकते हैं, और आधार नंबर डाल के आपको ओटीपी भेजना पड़ेगा। तो आधार ओटीपी के थ्रू आप जो एप्लीकेशन है पैन का वो साइन कर पाएंगे। ये मैंने आधार डाल के सेंड किया ओटीपी। और अभी वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही आपका ई साइन कंप्लीट हो जाता है देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म इधर आ जाता है, और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आफ्टर सबमिटिंग ई साइन, तो ये फॉर्म आपको भेजने की जरूरत नहीं होती है। उधर एनएसडीएल की ऑफिस में आपको ये भेजने की जरूरत नहीं होती है। ये जस्ट आपके पास रखना है, और 3 से 4 दिन में ही आपको ई पैन आ जाता है। अगर आप करेक्शन के लिए दे रहे हैं तो ई पैन आपको 3 से 4 दिन में मेल पे आ जाता है, और कुछ 10 to 15 डेज लगते हैं फिजिकल कॉपी आने के लिए। तो ये